ओके स्टार्ट ना बेटा, आवाज आ रहा है? ओके सो नाउ वी आर स्टार्टेड द अनदर सेकंड जीएस क्लास। हम जीएस का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, कल भी एक क्लास हुआ था। ठीक है, मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को, बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, जो लिख रहा हूं वो दिख रहा है? ठीक है, लेफ्ट साइड से लाइट पड़ रहा है। अच्छा एक मिनट, अब सही है। यार जल्दी बताओ ना। तो हम पढ़ रहे हैं लॉन्गेस्ट रोड, लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट रोड क्या होगा आपका? तो अगर एनएच पूछा है, एनएच है वहां, तो आपको एनएच 44 लेना है। समझ में आया? क्या लेना है? एनएच 44 लेना है। क्लियर है बेटा? हाँ ऐसे अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो आपको क्या लेना है? अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा, ठीक है, तो इसे क्या लेना है? तो इसको लेना है ग्रैंड ट्रंक रोड। क्या लेना है? ग्रैंड ग्रैंड ट्रंक ट्रंक ग्रैंड ट्रंक रोड। क्लियर है? तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट रोड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? पहले ऑप्शन क्या लेना है? ग्रैंड NH44 के नीचे मैंने लिखा है ग्रैंड ट्रंक रोड, दिख रहा है ये? ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड है आपका लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। अब हम ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में अगर स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड क्या है? तो ये जो रोड है, ये एक हुआ करते थे हमारे यहाँ बादशाह, हम बोल सकते हैं शेर शाह सूरी। नाम सुने हो? हाँ कैसे? शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के द्वारा इस रोड को बनवाया गया। इस रोड को, ग्रैंड ट्रंक रोड को शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया। क्लियर है बेटा? ठीक है, और शेर शाह सूरी कौन थे भाई, कौन बताएगा? हाँ तो शेर शाह सूरी कौन थे? जो अकबर के पापा कौन थे? हाँ कौन थे, कौन बताएगा? अकबर के पापा हुआ करते थे हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं को हराकर ये जो शेर शाह सूरी है दिल्ली का क्या बना? सुल्तान बना, सुल्तान एक बादशाह बना। ठीक है, तो उसी के द्वारा जो रोड बनवाया गया था, इसी रोड को कहा गया है ग्रैंड ट्रंक रोड। सूरी का देख लेना स्पेलिंग, SUR। ठीक है, तो शेर शाह सूरी ने इसको क्या किया था? बनवाया था। क्लियर है सबको? ये कब से बना बेटा? 16 सेंचुरी से ये रोड को बनवाया गया है। क्लियर है? अब ये बताइए ये रोड बना है कहां से कहां तक है? जब रोड बना है कहां से कहां तक है? अरे वो तो NH44 है,
वो तो NH44 है। ये जो आपका ये रोड है, इस ये हमारे इंडिया से, कहां से? इंडिया से पाकिस्तान तक है। इंडिया से पाकिस्तान ये रोड को बनाया गया था। समझ में आया? इंडिया कोलकाता से, ठीक है। और अगर हम आगे चले जाते हैं तो आपका ढाका, बांग्लादेश, कोलकाता, इलाहाबाद होते हुए दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर तक है, ठीक है। अगर हम बाहर अगर बात करते हैं, उस समय इंडिया हुआ करता था, तो ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है हमारे इंडिया, तो इंडिया में लेते हैं, इंडिया कहां से? कोलकाता ले लेना, कोलकाता, या फिर इसी को हम वेस्ट बंगाल कहेंगे। तो वेस्ट बंगाल से लेकर आपका कहां तक है बेटा? कोलकाता से लेकर कहां तक? हाँ, अमृतसर। नाम सुने हो? अमृतसर कहाँ है? तो ये हो गया कोलकाता, उसके बाद ये हो गया इलाहाबाद, इलाहाबाद मतलब यूपी, और यूपी साहब कहाँ चले गए? पंजाब। पंजाब में क्या है? अमृतसर। क्या है बेटा? अमृतसर। और यहां से आप कहाँ चले गए? लाहौर। लाहौर, और लाहौर से आप कहाँ चले गए? पेशावर। पेशावर। तो यहां तक है ये रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, कोलकाता से लेकर कहां तक? पेशावर। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चले आगे। इस रोड को आज किस नाम से जाना जाता है? एक तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है? हाँ, कोई बताएगा? सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। वो सब चीज को याद मत रखना, ठीक है। आज यहाँ पर हमारे यहाँ NH नेशनल हाईवे 2 नेशनल हाईवे 1 बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नेशनल हाईवे नंबर 2 और नेशनल हाईवे नंबर 1 इसी रोड पर बनाया गया है। तो देखो, एक शब्द के लिए हमने कितना सारा पढ़ लिया। लॉन्गेस्ट रोड देखे तो हमें आंसर में क्या लेना है? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है बेटा। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। कहां से है? कोलकाता से लेकर पेशावर तक, पाकिस्तान तक। क्लियर है सबको? समझ आ रहा है? ये पूरा बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? तो कोलकाता से इलाहाबाद, यूपी, यूपी से पंजाब, अमृतसर, अमृतसर से लाहौर, और पेशावर से, ठीक है। तो आपको ग्रैंड ट्रंक रोड दिखाई देगा। क्लियर है बेटा? चले आगे। क्या बोले बेटा? कहां पर? किसके ऊपर? यूपी इलाहाबाद। इलाहाबाद ये अमृतसर है, ये आपका लाहौर है, और वो आपका पेशावर है। दिखा? ठीक है, चले आगे। तो लिख लीजिए इसको, सभी लिख ले होंगे, तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, चलो हो गया। अब इसको रब कर दो मैं। रुपेश केशव लिख लिया बेटा आप लोग? ओके, रुपेश तुमने लिखा इसको? ओके, अब मैं रब कर देता हूं इसको। श्रिया नहीं जुड़ी है क्या? श्रिया नहीं है, कल अब्सेंट थी वो, आज आ गई। वैभव है, सानिध्य है, ये सब है। कौन नहीं जुड़े हैं बेटा? अटेंडेंस डाल दूंगा मैं आज ही आप लोगों का। चलो अब हम देखते हैं क्या। तो लॉन्गेस्ट रोड के बाद हम देखते हैं हाईएस्ट टावर। हाईएस्ट टावर कौन बताएगा?
कौन बताएगा हाईएस्ट टावर? तो हाईएस्ट टावर है कुतुब मीनार, इसको बोला जा रहा है आज भी कुतुब मीनार। कौन बताएगा बेटा कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार देखे हो? तो कुतुब मीनार है दिल्ली, लेकिन इससे हाँ इससे भी बड़ा आपका, इससे भी बड़ा अगर हम बात करते हैं तो आपके छत्तीसगढ़ में एक है मीनार जिसको हम कहते हैं जैद खाम, जैद खाम कहते हैं, वो जैद खाम बड़ा है इससे, फिर भी हम हाईएस्ट टावर किसको बोलते हैं आज भी? कुतुब मीनार को। क्लियर है बेटा? अब उसी को बोला जा रहा है और इसको इसको किसने बनवाया? तो इसको जो सुल्तान हुआ करते थे दिल्ली सुल्तान, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना है किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया इसको, ठीक है? किसको किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया इसको। क्लियर है बेटा? हाँ, ये कहाँ है दिल्ली? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? बस याद रखो, हिस्ट्री पढ़ेंगे सब लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो आगे चले, लो लिखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक को? कुतुब, ठीक है, कुतुब अल ऐबक। अब इतना ऐसे नाम है मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, नाम को चेंज कर दो क्या? तो चेंज तो नहीं कर सकते भाई, जो नाम है वो नाम है। अब सुभस्मिता का नाम सुभस्मिता है तो उसको सुब्बू रानी थोड़ी बोलेंगे, कैसे सुब्बू? तो सुभस्मिता ही बोलेंगे ना भाई, पाखी को पाखी ही बोलेंगे। हाँ भाई, वो तो बोलने का बोल चाल की भाषा है, लेकिन नाम तो चेंज नहीं कर सकते ना। इसकी मम्मी पापा रखे इसका नाम, हम लोग थोड़ी चेंज करेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये कुतुब मीनार समझ जाना, इन्होंने बनवाया, किसी ने बनवाया। रजिया सुल्तान जानते हो? ठीक है, चलो। हाँ, किसी ने बनवाया इसको, ठीक है? चलो आगे बढ़े बेटा, अब पढ़ते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल नेक्स्ट। हाईएस्ट वाटरफॉल कभी देखे वाटरफॉल आप लोग? हाँ, कवर्धा में देखे हैं। ओके, हाँ हो गया, हाईएस्ट वाटरफॉल हो गया। तो कौन बताएगा कहाँ पर है? कर्नाटक गए हो? कर्नाटक गए हो? हाँ, कर्नाटक में एक वाटरफॉल है, हाँ, हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो हाईएस्ट वाटरफॉल है आपका कहाँ? कर्नाटक में, ठीक है? कर्नाटक में, ठीक है? एक अगर आप सर्च करोगे दूसरा मिलेगा, लेकिन भाई अभी हमारे पास जो ऑथेंटिक है उसे ही लेना है, ठीक है भाई? उसी को ही लेना है, ठीक? ये कर्नाटक में है हाईएस्ट वाटर, कर्नाटक में है। इसका नाम है बेटा, ध्यान रखना है, इसका नाम गारसप्पा। अब कर्नाटक नाम है, कन्नड़ नाम है, ठीक है? गारसप्पा क्या है? गारसप्पा वाटरफॉल कहाँ है बेटा, कौन बताएगा? गारसप्पा वाटरफॉल मैसूर या कर्नाटका, ठीक है?
गारसोप्पा, और इसी को और एक नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाटर पार्क, इसी को भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी रिवर पर है, कौन सी रिवर पर है बेटा ये, तो ये है शरावती रिवर। कौन सी रिवर? शरावती रिवर, ये शरावती रिवर पर है, हाईएस्ट वाटर पार्क शरावती रिवर पर। क्लियर है, चले आगे। कैसे आवाज आ रहा है सबको? शरावती रिवर, शरावती दिख रहा है ये? हुआ कंप्लीटेड? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, इसको रब कर दूं। हाँ बोलो, आप दिखा? चलो नेक्स्ट हम लिखते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट मैन मेड लेक, लार्जेस्ट मैन मेड लेक, हमने अब ये लिखे थे लेक के बारे में पढ़ते हैं। तो लेक क्या होता है? लेक एक्चुअल में थ्री साइड से वो क्या रहता है, कवर्ड रहता है, और एक साइड से किसी वाटर सरफेस एरिया से ज्वाइंट रहेगा, या तो वो रिवर हो सकता है या सी भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो लेक स्विमिंग पूल देखा बेटा आप लोग, तालाब देखे गांव में जो तालाब रहता है उसको हम लेक मान लें सपोज, लेकिन वो चारों तरफ से बंद रहता है, और लेक जो रहता है थ्री साइड से ऐसे कवर्ड रहता है, एक रिवर रहेगा ऐसे या फिर यहाँ पर सी, तो उससे क्या रहता है, ये कवर्ड रहता है। ठीक है, तो लार्जेस्ट मैन मेड लेक अगर आपसे पूछा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो लेक है, मनुष्य के द्वारा वो जो लेक है वो है आपका गोविंद सागर। कौन सी सागर है बेटा? गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर, गोविंद सागर लेक। क्लियर है, लिख लो इसको, गोविंद सागर लेक, लार्जेस्ट मैन मेड लेक। ठीक है, हो गया? ओके, ठीक है, तो ये है। हाँ, कहीं कहीं पर आपको जयसमंद लेक भी मिलेगा, तो आपको गोविंद सागर लेक भी मिलना, ये भाखड़ा नगर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, भाखड़ा नागर पर है ये, छोड़ देना बस, गोविंद सागर बस याद रखना है इसको। ठीक है बेटा, चले आगे। ठीक, बिगेस्ट मॉस्को रब कर दो इसको। चलो बिगेस्ट मॉस्को की अगर बात करते हैं हम, बिगेस्ट मॉस्को, तो बिगेस्ट मॉस्को में जामा मस्जिद आएगा बेटा। क्या आएगा? जामा मस्जिद कहाँ है, कौन बताएगा इसको? ये है आपका दिल्ली। ठीक है, जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। जब जाओगे कुतुब मीनार चले जाना, जामा मस्जिद चले जाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी लिखो, हो गया?
हो गया। चलो लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये 5-10 मिनट और चलेगा। चलो आगे देखो, ठीक है। अब यहां पर मैं लार्जेस्ट लिख रहा हूं, लार्जेस्ट लार्जेस्ट रॉक पर, रॉक कर, लार्जेस्ट रॉक का टेंपल, लार्जेस्ट रॉक का टेंपल मतलब जो आपका स्टोन है, स्टोन है ना, स्टोन ना बोलते रॉक बोलेंगे, चट्टान, वो चट्टान को काट कर मंदिर बनाया गया। तो वैसा मंदिर कहाँ पर है? तो कोई महाराष्ट्र वाले हैं, हाँ, तो कैलाश टेम्पल जो महाराष्ट्र से है वो है कैलाश टेम्पल, वहां पर महाराष्ट्र, इमेज लिख रहा हूँ बेटा, महाराष्ट्र समझ जाना। तो कैलाश टेम्पल देख लेना बेटा, सर्च करना, जिसका जिसका नाम ले रहा हूँ ये सब को आज गूगल में सर्च करके उसका इमेज देख लेना, ठीक है, क्या कर लेना, इमेज देख लेना उसका, ठीक है। अभी बताया ना महाराष्ट्र है करके, ठीक है। तो ये आपका लार्जेस्ट रॉक का टेंपल है कैलाश टेंपल, कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में, ठीक है। कैलाश टेंपल औरंगाबाद, अजंता एलोरा गए हो, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लार्जेस्ट म्यूजियम, ठीक है, या आपका हाईएस्ट गेटवे, ठीक है। गेटवे अगर बात करते हैं हम, बुलंद दरवाजा का नाम सुने हो, गेटवे, गेटवे बुलंद दरवाजा, बुलंद बुलंद दरवाजा दरवाजा, ठीक है। ये बेटा आपका जो लार्जेस्ट है, अगर हम बात करते हैं हाईएस्ट लॉन्गेस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, तो गेटवे बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा कहाँ है कौन बताएगा? फतेहपुर सिकरी, कहाँ पर है बेटा? अरे वो गए हो आगरा, फतेहपुर सिकरी, ये कहां पर है? आगरा। आगरा कहां है कौन बताएगा? यूपी, ठीक है। तो हाईएस्ट गेटवे आपका क्या है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहां है? फतेहपुर सिकरी में, कहां है? आगरा में। इसको किसने बनवाया? तो इसको बनवाया है अकबर, अकबर का नाम सुने हो? अकबर, अकबर जो है जानते हैं आप सभी, बीरबल अकबर के नाम से जानते हो, ठीक है। तो वही अकबर है मुगल एम्पायर, ठीक है, मुगल एम्पायर का एम्पायर है। तो समझ में आया? चलो ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हाईएस्ट लिटरेसी, ठीक है। अब हम आते हैं सेंसस की ओर, थोड़ा पढ़ते हैं बजट वगैरह पढ़ लेते हैं, चलो उसके बाद वो देखेंगे। लार्जेस्ट बजट इन इंडिया कौन बताएगा? आर बजट, आर बजट कहाँ है? ये राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान में है, क्लियर है। और लार्जेस्ट म्यूजियम, तो आपका लार्जेस्ट म्यूजियम, म्यूजियम ये है आपका
इंडिया म्यूजियम, कौन सी म्यूजियम है बेटा, इंडिया म्यूजियम, ठीक है, ये यहाँ पर यू आएगा म्यूजियम, ठीक। ये कहाँ है आपका, कोलकाता, कोलकाता में, कोलकाता कहाँ है कौन बताएगा, कोलकाता है आपका, और यहीं पर है लार्जेस्ट जू, कौन सा है, लार्जेस्ट जू, ये भी कहाँ है आपका, कोलकाता में, कहाँ है भाई, कोलकाता, किस नाम से है ये, कौन बताएगा, जूलॉजिकल गार्डन, कौन से नाम से, जूलॉजिकल, हाँ एक मिनट ना, वो सब ठीक हो जाएगा, गार्डन, ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, हो गया। तो लार्जेस्ट जू तो कोलकाता में है जूलॉजिकल गार्डन के नाम से, लार्जेस्ट म्यूजियम इंडियन मीडिया म्यूजियम है कहाँ, कोलकाता में, लार्जेस्ट डेजर्ट तो थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है बच्चा। जूलॉजिकल गार्डन दिखाई नहीं दे रहा, लिखा हूं वो, देखो अब सही दिख रहा है, मैं फोटो खींच के डाल देता हूं, दिख रहा है, सही हो जाएगा थोड़ी देर, अब सही दिखा, आज क्या हो गया भाई, आज पूरे दिन परेशान किया है ये, अब ठीक है, ठीक है, चलो आप जीएस इतना ही पढ़ते हैं, उसके बाद आपका आगे क्लास अभी होगा